वेलकम दोस्तों, हमें एक फ्रेंड ने पूछा था एयर कंडीशनर है उसका हम जब गैस चेक करते हैं तो गैस का जो निडिल रहता है सुई रहता है ये कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है, जिसे देखकर कंफ्यूज जाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें गैस कम है या फिर गैस हाई है या फिर सब कुछ चल रहा था, कंडेंसर भी चल रहा है, कंप्रेसर भी चल रहा है, फैन फ्लोर सब कुछ चल रहा है, बट इस तरह से प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्या रीजन हो सकता रहेगा, हमारा गैस का जो निडिल रहता है सुई कभी आगे और पीछे आता जाता है, देख कभी आपको देखने को मिला रहेगा, अगर आप प्रोवाइड किसी ने तो आपको मालूम हो सकता रहेगा, मे भी अगर आप नए शायद नहीं मालूम हो सकता रहेगा, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखिए, मालूम है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ये वीडियो आप नए टेक्नीशियन के पास शेयर करें जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं ये फील्ड में आना चाहते हैं चाहे सबके ट्रबल शूट के बारे में नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप इन लोग का हेल्प जरूर करें, ये वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक सोशल मीडिया पर शेयर करें जिससे और लोग सीख सके जान सके देख सके। ये वीडियो हमारे स्पेशली नए टेक्नीशियनों का हेल्पफुल होने वाला है, कैसे होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में कुछ ट्रबल शूट जानने वाले हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर गैस का स्विच रहता है नॉर्मल जो रहता है एक स्टैंडिंग प्रेशर सब कुछ सही है तो गैस का प्रेशर जो हमारा निडिल जो रहता है एक स्टेबल रुकता है, जो भी गैस का स्टैंडिंग प्रेशर रहता है रनिंग प्रेशर रहता है उतना जाकर के फिक्स रुकता है, जिससे हम आसानी से समझ सकते रहेंगे हाँ गैस का कितना प्रेशर है। अगर हमारा गैस का स्विच कभी आगे जा रहा है पीछे जा रहा है तो हम कंफ्यूज रहते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकता है कितना प्रेशर हो सकता रहेगा, तो ये चीज हमारा सही नहीं है। नॉर्मल जो हमारा प्रेशर इक्वल स्टॉप होना चाहिए रुकना चाहिए लिमिट होना चाहिए, अगर हमेशा बार बार अप डाउन हो रहा है तो कुछ ना कुछ में प्रॉब्लम है, तो क्या क्या हो सकता रहेगा बेसिक चीज हम समझते हैं। अगर इस तरह से हो रहा है तो कई बार हम जैसे कि गैस चार्ज करते हैं कोई सा भी प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, या तो कंप्रेसर चेंज किए हैं गैस लीक रिपेयर किए हैं कुछ भी किए हैं और कंडीशन में इसके अंदर जो हमारा एयर चला गया है यानी कि बाहर का हवा जो रहता है नमी हो गया हवा जो रहता है इसके अंदर चला गया रहेगा, या फिर हमारा गैस चार्ज कर रहे हैं वो कंडीशन में लिक्विड चार्ज का मात्रा कम है यानी कि जो गैस चार्ज किए हैं वो कंडीशन में लिक्विड रहता है वो बहुत कम चार्ज किया गया है, उसके अंदर वेपर जो रहता है यानी कि हवा जो रहता है वो ज्यादा हो गया है, जब हवा ज्यादा रहेगा या फिर बाहर का हवा उसके अंदर थोड़ा पॉइंट कुछ पॉइंट मिक्स हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है उसका प्रेशर जो ज्यादा हो जाता है, प्रेशर ज्यादा कैसे हो जाता है क्योंकि रेफ्रिजरेंट का जैसा कि लोग जानते हैं रेफ्रिजरेंट है गैस का क्वालिटी ऐसा रहता है इसका थोड़ा सा टेम्परेचर मिलने पर प्रेशर बढ़ जाता है, थोड़ा सा लो टेम्परेचर होने पर प्रेशर कम हो जाता है, ऐसा क्वालिटी पर यह हमारा परिवर्तन सिचुएशन हिसाब से होते रहता है, बट जो हमारा हवा है नॉर्मल बाहर का हवा है ये ऐसा नहीं है, जो प्रेशर रहेगा वही प्रेशर रहेगा कम ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल हमने इसमें अगर 200 psi प्रेशर भर दिया है तो प्रेशर उसमें वही रहता रहेगा चलता रहेगा, और जैसे कि गैस भी इसमें मात्रा है तो गैस के कंडीशन में क्या होगा जैसे कि लिक्विड में जा रहा है रूम टेम्परेचर सब कुछ सही है मेंटेन हो रहा है सब कुछ सही है तो कंडीशन थोड़ा प्रेशर कम कर देगा, फिर वापस अगर हीट होगा फिर प्रेशर बढ़ जाएगा यानी कम ज्यादा होते रहता है, ये हमारा मेन रीजन भी होता है। अगर इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है तो सिस्टम को में पूरा अच्छी तरह से गैस उसके अंदर है निकाल करके वैक्यूम करके प्रॉपर अच्छी तरह से फिर हमें लिक्विड कुछ परसेंट जो भी गैस है उस हिसाब से हम इसको चेक करके प्रेशर अपना लिमिट डालेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप ये भी कर सकते रहेंगे अगर सब कुछ सही है तो इसको थोड़ा पर्ज कर देना है, हमें अगर गैस ही चालू है चल रहा है उसके अंदर कुछ मात्रा अगर हवा गया हुआ है उसको हवा को क्या करेंगे गैस को थोड़ा उड़ा देंगे कुछ 10-15-20 psi गैस उड़ा देंगे तो क्या होगा हल्का सा उसमें जो भी रेफ्रिजरेंट गैस रहता है हवा रहता है वो निकल जाएगा वापस उसमें लिक्विड चार्ज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है अगर आपका एसी सेंट्रल एसी है बड़ा एसी है जिसमें एक्सपेंशन वाल लगा हुआ है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल लगा हुआ है तभी उसमें भी ये प्रॉब्लम होता है, जो हमारा एक्सपेंशन वाल रहता है अगर वो ब्लॉक हो गया है एक्सपेंशन वाल अगर ब्लॉक हो जाता है उसका सेंसर जो बल्ब रहता है उसके अंदर या तो गैस लीक हो गया है या फिर ब्लॉक हो गया है या फिर जो सेंसिंग बल्ब जो रहता है हमारे जो पाइप सक्शन पाइप जो साथ में टच रहता है वो प्रॉपर तरीके से टच नहीं है वो कंडीशन में भी प्रेशर कम ज्यादा होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का काम रहता है ये हमारा रूम का टेम्परेचर को जो रिटर्न पाइप आता है प्रेशर को सेंस करके उस हिसाब से वाल्व को ओपन क्लोज करता है यानी कि गैस के अंदर इवेपोरेटर में हीट लोड के हिसाब से ही प्रेशर भेजता है यानी कि रूम में गर्म ज्यादा रहेगा तो कंडीशन में क्या होगा इवेपोरेटर में प्रेशर जो है थोड़ा ज्यादा लिक्विड भेजेगा, अगर हमारा रूम में ठंडा है चिल है तो कंडीशन में क्या करेगा प्रेशर जो लिक्विड की मात्रा जो नॉर्मल हमारा गैस का प्रेशर को थोड़ा कम कर देगा कंट्रोल कर देगा यानी कि कम ज्यादा ये होते रहता है वाल्व जो रहता है उसके अंदर डायफ्राम कम ज्यादा होते रहता है, तो जब यहाँ से प्रेशर जो डायफ्राम ही हमारा
ओपन है, बॉडी साथ में टच नहीं है, तो कंडीशन क्या होगा, ज्यादा रहेगा प्रेशर, तो वहां पर ठंडा गर्म ठंडा ठंडा होता रहेगा, कंडीशन में भी प्रॉब्लम होगा, हमारा प्रेशर जो है कम ज्यादा देखने को मिलेगा। या फिर आपका एक्सपेंशन वाल्व ब्लॉक हो गया है, तो कई बार होता है क्या, उसमें ब्लॉक हो रहा है, खुल रहा है, ब्लॉक हो रहा है, यानी कि प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है, तो ये भी एक रीजन होता है मेन हमारा एक्सपेंशन वाल्व है चोकअप होना, खराब होना, ब्लॉक होना। तो कंडीशन में अगर आपका सब कुछ सही है, आपने अच्छी तरह से प्रॉपर वैक्यूम किया है, गैस चार्ज किया है, सब सही है, तो एक्सपेंशन वाल्व हमें चेंज करना चाहिए, इसे चेक करना है, खुल के रिपेयर करना चाहिए। बहुत से वाल्व जो है रिपेयर होता है, या बहुत से वाल्व जो है डायरेक्ट चेंज करना पड़ता है। कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकली इसका वीडियो बहुत से बना हुआ है हमारे चैनल पे, विजिट करके देख सकते रहेंगे, समझ सकते रहेंगे। और भी आप चाहते हैं इसका कमेंट करें, उस हिसाब से और वीडियो हम बनाते रहें, जिससे आप लोग का हेल्प हो सके, कुछ नॉलेज हमारे पास जो मिलेगा शेयर करते रहेंगे। ये भी हमारा रीजन हो जाता है, अगर हमारा अप डाउन हो रहा है गेज का नीडिल सक्शन प्रेशर या डिस्चार्ज प्रेशर ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है, तो एक्सपेंशन वाल का भी प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, इससे हमें रिपेयर करेंगे, चेंज करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या तो फिर हमारा कंडेंसर क्वाइल जो है, अगर ऐसा विषय है, अगर कंडेंसर क्वाइल अगर गंदा है, डस्टी है, वो कंडीशन में भी आपको इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिल सकता रहेगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो सकता रहेगा, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो नीडिल जो है अप डाउन होता रहता है, ये भी रीजन होता है हमारा प्रॉब्लम होता है। ये चीज हमें क्या करेंगे, अगर प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर कोई रीजन है, या तो आप अच्छी तरह सर्विस करेंगे गैस को, कंडेंसर को आयल जो वाटर प्रूफ वाटर से अच्छी तरह सर्विस करेंगे, या फिर गैस थोड़ा कम करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर कंडेंसर सर्विस नहीं है, वो चीज हमारा एवेपोरेटर में भी वही चीज होता है, अगर एयर फिल्टर हमारा ब्लॉक है, एयर फिल्टर जो रहता है अगर ये ब्लॉक है, गंदा है, तो भी प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, क्योंकि एयर जो रहता है, जैसा कि लोग जानते हैं, जो रूम का टेम्परेचर, रूम का एयर रहता है, ये सर्कुलेट होता है, हवा जो क्वायर एवेपोरेटर के ऊपर सर्कुलेट होता है, अगर हमारा एवेपोरेटर के ऊपर जो है हवा ठंडा आ रहा है, तो कंडीशन में क्या होगा, गैस जो है लिक्विड फॉर्म में जाएगा, उसका टेम्परेचर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर वही एवेपोरेटर के ऊपर गर्म हवा आ रहा है, ज्यादा हवा आ रहा है, तो कंडीशन में क्या होगा, ये थोड़ा हमारा वाष्प में होगा, बॉइलिंग होगा, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा इसका, तो ये भी चीज रीजन होता है। अगर हमारा कई बार रूम दरवाजा खुला है, बंद है, गर्म हवा ठंडा ज्यादा हो रहा है, अगर ज्यादा गर्म है, या फिर बाहर से ठंडा गर्म हवा रहा है, रूम में ठंडा, ये भी मिक्स होगा, तो भी हमारा प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, कम ज्यादा हो सकता रहेगा। इसे हमें क्या करना होगा, प्रॉपर रूम टेम्प चेक करेंगे, या एयर फिल्टर रहता है उसे चेक करेंगे, एयर फिल्टर हमारा सर्विस करना चाहिए, सर्विस नहीं है तभी भी कई बार देखने कुछ तरह से प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, इसे हम रिपेयर करेंगे, सर्विस करके फिल्टर सही हो जाएगा। सेम वही प्रॉब्लम हमारा अगर एवेपोरेटर क्वाइल गंदा है, या फिर ब्लोअर का स्पीड वगैरह कम ज्यादा है, तभी भी प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। एग्जांपल कई बार देखने को मिलता है, हमारे स्पीड का भी इफेक्ट पड़ सकता है, अगर हमारा ब्लोअर मोटर का स्पीड जो कम ज्यादा हो रहा है, तभी भी इस तरह से हमें प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड हो सकता रहेगा, कम ज्यादा हो सकता रहेगा। तो बेसिक चीज यही है हमारा कुल मिला जो कि सिस्टम हमारा यही है, ब्लॉकेज हो सकता रहेगा कहीं ना कहीं सिस्टम में, अगर कोई भी चीज है अगर ब्लॉकेज है तो इस तरह से प्रॉब्लम होता है, या फिर आपका कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ है, या फिर फिल्टर ड्राइव लगा हुआ है, ये सभी चीजें रहता है, ये सभी ब्लॉक होगा तभी इस तरह से आपको देखने को मिल सकता रहेगा, कम ज्यादा हो सकता रहेगा। यह फॉल्ट जो है हमारा एक बेसिकली फिक्स नहीं है, क्योंकि हमारा जो भी रेफ्रिजरेशन साइकिल है, कंट्रोलिंग डिवाइस है, सबको कंट्रोल होकर के प्रेशर को चलता है, ऐसा नहीं सिर्फ हमारा गैस कंप्रेसर से गया, ऑपरेटर में ऑपरेटर से कंप्रेसर बता सकते हैं आपका आपके नजर में और क्या क्या फॉल्ट हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या सलूशन हो सकता है, कमेंट में भी बताएं, जिससे नए लोग कमेंट पढ़े उनको भी मालूम चल सके, सीख सके, समझ सके, जान सके। अगर आप एयर कंडीशन संबंधित फ्रिज, वाशिंग मशीन, कोई सा भी टूल्स या फिर स्पेयर पार्ट्स कुछ भी खरीदना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट करके बाय कर सकते रहेंगे, इसका फायदा ले सकते रहेंगे। आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।